नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक बड़ा सवाल है, आज भाजपा लगातार क्यों जीतती जा रही है और इतनी मेहनत के बाद भी कांग्रेस क्यों जीत नहीं पा रही है? आप तीन बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, इसके बाद भी अधिकतर लोगों का कहना है कि यात्रा सफल रही, राहुल गांधी की छवि बदली, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को वोट कितने मिलेंगे अभी यह कंफर्म नहीं है। इस यात्रा का चुनाव में लाभ मिलेगा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी अडानी मोदी की दोस्ती पर खूब मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर लोगों को बता रहे हैं, नई नई जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन कईयों का कहना है कि मोदी ने मदद की है अडवाणी की, इतना तो तय है, इसीलिए वो इतने बड़े आदमी बन गए एकाएक कुछ ही सालों में। लेकिन इसके बाद भी लोगों का कहना है कि इस मामले का चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस को लाभ कितना मिलेगा यह अभी सुनिश्चित नहीं है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने राहुल गांधी ने राफेल को मुद्दा बनाया था, लेकिन लाभ मिला नहीं था। चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लाभ मिला नहीं था, कांग्रेस चुनाव में कोई लाभ उठा नहीं पाई थी। और अब तीसरी बात, भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, यानी 303 से 400 सीटें भाजपा करना चाहती है। खुद अपने दम पर पिछले चुनाव में 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने अपनी सीटों को दोगुना करने का 2024 के चुनाव में लक्ष्य रखा है, यानी 52 से 104 पर पहुंचना चाहती है कांग्रेस। अब कांग्रेस खुद ही नहीं जीतना चाहती है तो फिर भाजपा को कैसे हरा पाएगी, क्योंकि 272 सीटें तो चाहिए ही चाहिए सत्ता में बनने के लिए, आने के लिए। आप दो आंकड़ों पर और गौर कर लीजिए, एक, भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 273 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था। उस समय तक भाजपा को पहले कभी पूर्ण बहुमत अकेले के दम पर मिला नहीं था। इससे पहले भाजपा की जो अधिकतम सीटें रही थी वो 183 सीटें रही थी। इसके बाद भी भाजपा ने 2014 में 273 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और 284 सीटें जीत ली, यानी लक्ष्य से 11 सीटें अधिक। इसके बाद 2019 के चुनाव में 300 सीटों का टारगेट रखा और 303 सीटें जीत ली, यानी टारगेट से 3 सीटें अधिक। 2019 में जब 300 सीटें जीतने का भाजपा ने टारगेट किया था तो इस टारगेट का मजाक बनाया गया था, इस पर कई लोगों का कहना था कि यह अचीव किया ही नहीं जा सकता है भाजपा के द्वारा। इस बार कांग्रेस ने पिछली बार से दोगुनी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और भाजपा ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कौन अपना टारगेट हासिल कर पाता है, लेकिन एक बात तो साफ सी है, कांग्रेस अगर टारगेट अचीव भी कर लेती है तो भी हारी हुई तो मानी ही जाएगी। इसीलिए कांग्रेस क्यों हारती है और भाजपा लगातार क्यों जीतती जा रही है, इसके बहुत सारे कारण है, इस पर तमाम विश्लेषण तमाम एंगल से बात की जा सकती है। लेकिन अगर केवल टारगेट फिक्स करने की ही बात कर ले, अगर हम केवल इसी पर बात कर ले कि मैं पाना क्या चाहता हूं और इसी को एक परिणाम की शक्ल दे दी जाए, तो भी यह तो आसानी से समझा जा सकता है कि भाजपा क्यों जीतती जा रही है और कांग्रेस क्यों जीत नहीं पा रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।